साल 2023 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक पठान आज यानी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग से जुड़ी खबरों से हर कोई अंदाजा लगा चुका है कि शाहरुख खान इस बार बड़ा ही धमाका करेंगे। आज सुबह से ही देश भर के सिनेमाघर हाउसफुल नजर आ रहे हैं। फिल्म को दर्शक सुपर डुपर हिट बता रहे हैं। वहीं देश के कोने कोने में बसे शाहरुख खान के फैंस अपनी एक्साइटमेंट को अलग अलग तरीकों से बयां कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट शुरुआत से ही अंदाजा लगा रहे थे कि फिल्म की शुरुआत धुआंधार होने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इस तरह की रिलीज के लिए लंबे समय से आस लगाए बैठी थी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान के मॉर्निंग शोज हाउसफुल रहे हैं, जिसके चलते इसकी ऑक्यूपेंसी रेट 70% के आसपास रही है। इस तरह से देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2023 की शुरुआत काफी धमाकेदार हो रही है। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड की लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिरती रही है। ऐसे में पठान हर किसी को आस दे रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में पठान की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स 75% से 80% के बीच है। पठान के प्रति लोगों की दीवानगी देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस एक्शन फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने फिल्मी दुनिया में दमदार कमबैक किया है। आने वाले दिनों में पठान बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। बात की जाए एडवांस बुकिंग की तो इसके जरिए ही शाहरुख खान की फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास कमाई कर डाली है। एडवांस बुकिंग के मामले में पठान ने कई फिल्मों को पीछे छोड़ डाला है। फिलहाल तो पहले दिन ही पठान देखने में पहुंचे फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने पठान मूवी देख ली? आप हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताएं।